चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों से मिलने का खास मकसद यह है कि सबसे पहले आप लोगों को सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस कल 26 जनवरी 2023 को मनाने जा रहे हैं। ये सभी देशवासियों के लिए वह गौरव क्षण है। गणतंत्र अर्थात हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन से अभी तक प्रत्येक साल हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आप सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और इस बार गणतंत्र दिवस के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी पूजा सरस्वती पूजा। जी हाँ बच्चों, विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। सरस्वती मतलब अर्थात कला, सरस्वती मतलब अर्थात कला, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, ठीक है ना, ज्ञान के भंडार, बिना पानी है ना, इसके कई नाम है जो हम लोग माता का पूजा करते हैं। तो इस सरस्वती पूजा मनाने का उद्देश्य क्या है, देखेंगे बच्चों। सरस्वती पूजा मनाने का कतई उद्देश्य यह नहीं है कि आप शोर शराबा करें, ढोल ढगार बजाए, है ना। सरस्वती पूजा मनाने का उद्देश्य शांति से, सादगी से माँ के रूप को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती का रूप क्या है। तो आप लोग देखते होंगे माँ सरस्वती का जो वस्त्र है वो सफेद है, क्या है, सफेद, और सफेद जो है सादगी का प्रतीक है। तो बच्चों को भी हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए और विचार उच्च रखने चाहिए, समाज के प्रति और देश दोनों के प्रति, समाज और देश के प्रति और खुद के प्रति, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रॉन्ग खुद के प्रति वफादार बनने की जरूरत है। अगर हम अपने ही प्रति वफादार नहीं है तो समाज के प्रति हम वफादार नहीं हो सकते। तो सफेद का अर्थ क्या होगा, सादगी, सादा जीवन जीना, ठीक है, और विचार हमेशा उच्च रहना चाहिए, जिससे आपका, आप समाज का, आपके परिवार का, पूरे देश का कल्याण हो सके। आपने दूसरा देखा कि माँ का जो वाहन है वो हंस है, और हंस देखेंगे वो जो है अच्छे चीजों को ग्रहण करेगा और बुरे चीजों को छोड़ देगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हंस ही एक ऐसा पक्षी है कि जिसको दूध और पानी अगर मिलाकर दिया जाए तो वो देखते हैं दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो हम सभी विद्यार्थियों को सीखना यह है हंस से कि समाज में जो बुराई कुछ होगा, अगर दिख भी रहा है तो हम उसे ग्रहण न करें, हम वैसे बातों को ग्रहण करें जो हमारे लिए हित में हो और हमारे लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। हेल्पफुल कहने का मतलब है एक विद्यार्थी के लिए हेल्प क्या करेगा, वैसे दोस्तों के, वैसे लोगों के साथ संगत बनाइए जो पढ़ने वाला हो, जो आपके साथ हो, आपके साथ कॉम्पिटिटर से फेस करे, जो आपका प्रतिभागी हो, प्रतियोगी हो। फिर उसके बाद देखेंगे माँ के हाथ में क्या है, पुस्तक है, पुस्तक है जो ज्ञान का प्रतीक है। पुस्तक किसका प्रतीक है, ज्ञान का, और सभी भी देखेंगे हम सभी जो विद्यार्थी है पुस्तक से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे आप कहेगा सर कि जिस समय पुस्तक नहीं लिखा गया था तो उस समय लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते थे, उस समय ज्ञान होता था, लेकिन आप बताइए क्या उस समय सभी लोग ज्ञानवान होते थे, बहुत कम लोग होते थे। पुस्तक आने से क्या हो गया कि एक दिलचस्पी, आपका पुस्तक सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, आपको पढ़ने के लिए ललक जगह, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं तो पुस्तक आपके लिए ज्ञान का भंडार है, ज्ञान देने वाला है। उसके बाद आप देखे होंगे कि माँ के हाथ में स्फटिक की माला है। माँ के हाथ में क्या है, स्फटिक माला। माला का उद्देश्य क्या है, माला हमें क्या बताना चाह रहा है, उसका क्या अभिप्राय है माँ के हाथ से, कि अगर हमको कोई भी चीज अगर याद नहीं हो रहा है तो हम उसको बार बार रिपीट करें, जैसे माला करना रिपीट करते हैं ना, तो उसी तरीके से बार बार उसे क्या करें, रिपीट करें। पूजा का उद्देश्य देखेंगे, पूजा का मतलब पूजा होता है सही तरीके से करें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा घुमा जला दिए, अगरबत्ती लगा जला दिए तो इसे पूजा हो गया। पूजा का उद्देश्य क्या है कि आप सही तरीके से मनाएं, एक उसका स्वरूप को जानें और उसके बाद उसकी पूजा करें, तो उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और किसी भी चीज में आपको विश्वास होना सबसे जरूरी चीज है। आप ईश्वर को माने या ना माने, प्रकृति को माने या ना माने, लेकिन बताइए आपके मानने से ना मानने से क्या होगा, प्रकृति है तो है, ईश्वर है तो है। माता को हम लोग किस रूप में पूजते हैं, माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में, भंडार के लिए, किसका, ज्ञान का भंडार, बुद्धि का, ठीक है। समाज में अच्छे व्यक्ति जो भी हो उन पर कहीं कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की कृपा जरूर होती है। जैसे
आप में ही से कुछ बच्चे होंगे कि कम ही पढ़ते होंगे लेकिन उनका देखोगे दिमाग बहुत ज्यादा तेज रहता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा लंबा समय से पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि भी नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, रीजन होते हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इसका कतई कारण ये नहीं कि आपके पास ज्ञान कम है, ज्ञान है उसका सही तरीका से प्रयोग करिए, हो सकता है कि आप उस चीज के लिए न बने हो जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और लास्ट में ध्यान दीजिएगा, माँ के हाथ में बीना होता है और बीना कला का परिचय है। अगर आपके पास कला आ गया बच्चों तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग उदाहरण लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के हाथ में कला क्या थी, बैटिंग की, बल्लेबाजी का, आज पूरा विश्व उनको जानता है। आप ऐसे कई लोगों का उदाहरण ले सकते हैं जिनके हाथ में कला, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी, इनके पास क्या है, कला है, आज पूरा वर्ल्ड इनको जान रहा है। आप किसी भी अभिनेता, कोई सिंगर है, कोई गायक है, तो इनके पास एक क्या है, कला है, विद्यार्थियों के पास कला है। आप लोग जैसे रीजनिंग अच्छा पढ़ लेते होंगे, जीके जेस पढ़ लोगे, मैथ्स अच्छा पढ़ लेंगे, इंग्लिश अच्छा पढ़ लेंगे, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं वो कला का ही क्या है, कमाल है। तो कला आने से आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर आपके हाथ में कला है, हुनर है, तो समझिए कि आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते हैं, आपके पास रोजगार है, वो कला ही क्या है, रोजगार है। और जो कला जानता है वो कभी भूखे पेट नहीं मरता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से कहने का उद्देश्य यह है कि पूजा को बस पूजा की तरह मनाएं, सादगी रूप में मनाएं। आप सिंपल से तरीके से जैसे पूजा के लिए देखेंगे, माँ सरस्वती पांच बसंत ऋतु में बनाया जाता है, माघ पंचमी को पांच फल ले लेना है, गाजर है, मक्को है, बैर है, नहीं, आप जहां पर आपका पुस्तक रखा हुआ है अच्छे से सफाई कर दीजिए, वहां पर अगरबत्ती धूप जो भी है वहां जलाइए, और प्रसाद चढ़ाने के बाद आराम से उसको खाएं, और पढ़ाई जरूरी करें। पुस्तक उस दिन पूजा करने के बाद पढ़ाई निश्चित तौर पे करें। आपकी सफलता लिख लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है। एक आप लोग के लिए जाते जाते एक शेर कहना चाहेंगे कि यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं है, यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात गुजरती नहीं है, वक्त से पहले रात गुजरती नहीं है। किसी की भी कामयाबी लगती है आसान, किसी की भी कामयाबी लगती है आसान, पर किसी को भी आसानी से मिलती नहीं है। और एक चीज, इतना बात जब छेड़ा हूं तो एक बात और आप लोग से कहना चाहूंगा, अभी समान समय में, आप जिस समय, जो भी हम लोग का समय चल रहा है, बहुत सारे वैकेंसी हम लोगों के पास है। जैसे आप देख रहे होंगे सिविल कोर्ट का है, MTS आ गया है, समझ गए, CHSL आया हुआ है, CGL आया हुआ है, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, तो समान समय में SSGD का परीक्षा चल रहा है, ठीक है, जो कि अभी लगभग 14 या 17 मास तक चलेगा, फिर मैट्रिक की परीक्षा चालू होने वाली, इंटर की परीक्षा चालू होने वाली, मैंने तमाम अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सही तरीके से तैयारी करके एक नौकरी आपको पकड़ना है। रेलवे में भी आपको ग्रुप डी की देखेंगे दौड़ वगैरह चल रहा है, शायद फरवरी में उसका खत्म करके उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग अप्रैल तक, संभवतः वो अप्रैल या मई तक वो आपको करवा लेगा, और लगभग बहुत ज्यादा पोस्ट का वैकेंसी वो देने वाला है। तो बात छेड़ा हूं तो इतना आप लोग को बता दूंगा कि जो भी परीक्षा रहा है आप इसको सही तरीके से पकड़े, और एक रिजल्ट आप कम से कम लें, क्योंकि आपकी सफलता के इंतजार आपके घर पर बैठी माँ कर रही है कि मेरा बेटा कब सफल होगा, एक नौकरी लेकर आएगा। तो बच्चों, इसी शुभकामना के साथ फिर से गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ आप लोगों को, आभार प्रकट करता हूँ। आप वीडियो जब देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको विद्यार्थियों को शेयर करें कि पूजा का मतलब आडंबर फैलाना नहीं है, पूजा सादगी से, दिल से, मन से, विश्वास से, अगर श्रद्धा है तो बिल्कुल करना है, नहीं तो बेकार है ना, इसी तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है, लाभ किसी न किसी चीज का जरूर मिलता है बच्चों, ठीक है। आप सही काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को, हमारे जितने भी शिक्षक समाज है, टीम है, सभी को सरस्वती पूजा, गणतंत्र दिवस, जितने भी दर्शक बंधु है सबको एक बार फिर से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।